होली का त्यौहार काफी नजदीक है। ऐसे में वो लोग जो भोपाल में नौकरी करते हैं अब अपने गांव और शहरों के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल के ISBT बस स्टैंड की हैं। लोगों ने बातचीत में कहा कि कोरोना के 2 वर्ष बहुत बुरे रहे हैं, मगर अब स्थिति सुधर रही है। लोगों का कहना है होली मनाने का असली मजा तो अपने गाँव का है, इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। होली को देखते हुए लखनऊ रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, ट्रेन में जगह नहीं है। हालांकि सरकार ने दावा किया था कि त्योहार को देखते हुए कई नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, साथ ही बसों की भी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन लोगों का कहना है कि इंतजाम ठीक नहीं है और टिकट भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में चारबाग रेलवे स्टेशन से जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। चलिए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। कल पूरे देश में होलिका दहन किया जाएगा और उसको लेकर बाजारों के साथ साथ स्टेशनों पे भी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे, जहां पर आप देख सकते हैं जो आने जाने वाले लोग हैं जो होली के समय अपने घर जाना चाहते हैं, उन लोगों का तांता लगा हुआ है। ट्रेनें जो हैं वो लगातार भर के जा रही हैं और साथ ही अगर मैं बसों की बात करूँ तो बस स्टेशन पर भी लगातार जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हालाँकि सरकार ने जरूर कहा था कि होली के मौसम में, त्योहारों के मौसम में जो ट्रेनों की जो संख्या है उसको लगातार बढ़ाया जाएगा, बसों की संख्या को भी बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे आप जो भीड़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बताइए, रेलवे स्टेशनों पर जिस तरीके से त्योहार है, जिस तरीके से त्यौहार है, आने जाने में दिक्कतें हो रही है, भीड़ काफी ज्यादा है। हाँ, भीड़ काफी ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, टिकट मिल पा रहा है कि नहीं? तत्काल टिकट में तो नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने कहा था कि इंतजाम करेंगे, नई ट्रेनें चलाएंगे, बसें चलाएंगे। कोई नई ट्रेनें नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं सुबह से 9 बजे से, हमको जाना है यहाँ पे गाजीपुर, 9 बजे ट्रेन है, इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं है। और भी लोग हैं उसे भी जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही थी कि नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, नई बसें चलाई जाएंगी, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उससे बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से स्टेशनों पे लगातार भीड़ है, सरकार कह रही थी नई ट्रेनें चलाएंगे, नई बसें चलाएंगे, लोगों को दिक्कतें ना हो, लोग समय पे अपने घर पहुँच सके, तो भीड़ है कि आराम से टिकट मिल रहा है? अरे बहुत प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं। हमारा तो खैर रिजर्वेशन है, दिक्कत तो है ही है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा रश नहीं मिल पा रहा, रश ज्यादा है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि रश जो है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि सरकार ने ये जरूर कहा था कि त्योहारों के मौसम में हम जो नई ट्रेनें चलाएंगे, बस चलाएंगे, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या बाजारों में हो, वो किस तरीके से यहाँ पर जो लगातार जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि त्यौहार एक ऐसा होता है जिसमें हर आदमी चाहता है कि वो अपने घर पर समय पे पहुँच सके, लेकिन जिस तरीके से इंतजामों की मैं बात करूँ तो इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे, चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस समय मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको नजर आ जाएंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं। जिन लोगों का रिजर्वेशन है उनको तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों का रिजर्वेशन नहीं है उन लोगों को काफी दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, और यहाँ पर लगातार जो भीड़ है रेलवे स्टेशनों के साथ साथ बस स्टेशनों पे भी जो लगातार जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। कैमरामैन खुशीद के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।